तो ये टॉपिक हमारा जो है ना, ये है फैक्टरिंग और फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा पता है? क्यों? नहीं ए माइनस बी ए प्लस बी, याद आया? ठीक है ना, जी ये जी सर, यही याद हाँ है सर। हाँ तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, फिर हम स्टार्ट करते हैं जनाब अली, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर वन बल्कि हम क्वेश्चन नंबर वन ले लेते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन वन में हम लोगों ने लिया तमाम ये कि भाई फैक्टर फैक्टराइज करना है आपने 4x² - 25y। आता है तुम्हें ये अब्दुलरहमान, है जी सर, ना? एक हाँ मिनट करके मैं ट्राई भाई, तुम करूँ। आप ट्राई करो फिर मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन को कॉपी, क्वेश्चन कॉपी किया, 4x² - 25y² आप क्या करेंगे इसको इस फॉर्म में लिखाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, यानी कि इसको भी स्क्वायरिंग में लिखेंगे और इसको भी आप स्क्वायर में रखेंगे आप। तो इट विल बी 2x और इट विल बी 5y, 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, है भाई ऐसे क्या ना? जी सर, ऐसे राइट, तो ए आपके पास 2x था, बी आपके पास ये था, तो 2x - 5y टाइम्स 2x + 5y, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मेरे साहब, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू वही है, फैक्टराइज और फैक्टरिंग, फैक्टरिंग में कहते हैं इसको फैक्टराइज 8x² - 18y² ओके, ट्राई कर रहे हैं भाई। ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर टू, दिस क्वेश्चन नंबर टू योर प्लान इज बाय योर, ओके दिया, देखो पहचान क्या है कि दो टर्म होने चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, राइट, लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट 8x² एंड 18y² आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यू नो 8 का कोई 8 का किसी के स्क्वायर पर 8 नहीं होता, किसी के स्क्वायर 9 नहीं, 18 नहीं होता, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? फैक्टर द फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन इज टू टेक कॉमन, यू नो क्या है, द फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन इज टू टेक कॉमन, फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेक कॉमन विच इज टू हियर, टू 4x² - 9y² फर्दर फैक्टरिंग, फर्दर फैक्टरिंग दीज टू टर्म्स 4x² - 9y² तो ये दो टर्म है और बीच में माइनस साइन है। यू कैन यूज ऑफ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी, इसको आप करेंगे जनाब ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका 2x 3y, ए इज 2x एंड बी, तो योर आंसर विल बी ट्वाइस ऑफ 2x - 3y। ये सब रहमान कोई कंफ्यूजन नो सर, नहीं, बात के कॉमन लेंगे हमेशा पहले, फर्स्ट यू हैव टू टेक कॉमन, राइट। तो गोइंग टू राइट सही अनदर से क्वेश्चन सर। फॉर यू। हाँ ये आप एक साथ सारा रिकॉर्ड कर लेना, ये रिकॉर्ड हाँ कर रहा हाँ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, नहीं, मतलब जो एक ही वीडियो में पूरी क्लास रिकॉर्ड कर लेना ज्यादा सही रहेगा सर। चलो सही ठीक है। अभी तो मैंने 200 में डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट टाइम ये कर लेंगे, एक ही में कर लेंगे ना फिर, सही एक ही में कंटिन्यूएशन कर लेंगे। सर ये मैं कॉपी कर लूँ इतना। हाँ श्योर, तो आज हमारा फैक्टराइजेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। खाली जो वो फैक्टरिंग बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म, वो उसकी वीडियो बना के रखी हुई, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं सेंड करना भूल गया आपको। अच्छा तो मैं जो है ना, ओके लुक एट दिस क्वेश्चन ना, फैक्टराइज -4x² + 81, 4x² एंड 81 आर यू नो परफेक्ट स्क्वायर, 9² इज 81 एंड 2x² इज 4x², बट ड्रॉबैक ये कि बीच में क्या होना चाहिए, माइनस साइन होनी चाहिए, माइनस साइन मिसिंग है। आप क्या करेंगे, यू हैव टू अरेंज दीज टू टर्म राइट, ताकि बीच में सो दैट इन बिटवीन माइनस साइन आ जाए। ओके नाउ कन्वर्ट इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बाय राइटिंग 9 एंड 2x, सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी फॉर लिक्विड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस आइडेंटिटी तो ए इज यू नो 9 बी इज 2x, वी गेट ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस 9 - 2x टाइम्स 9+, गॉट इट एवरीवन? चलो जी सर, तो इसमें सही है, वो ईच टर्म आर यू नो परफेक्ट स्क्वायर, 4x² इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 9 अपॉन 25y² इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, वी कैन राइट इन दिस वे के स्क्वायर माइनस दिस 2x
थ्री अपॉन फाइव वाई. सो बाई यूजिंग आइडेंटिटी दिस इज ए दिस इज बी. आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी नंबर वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वॉट. a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और ए माइनस बी, a माइनस b. राइट. ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी, यू कैन राइट बोथ वे. सो इट विल बी यू नो 2x माइनस 3 अपॉन 5y टाइम्स 2x प्लस 3 अपॉन 5y आंसर. इसके एक आखिरी क्वेश्चन में तो करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव होते हैं, ठीक है ना. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ट्राई विद योर सेल्फ फैक्टराइज वन इज वन माइनस 81 अपॉन 100 एच स्क्वायर के स्क्वायर. ओके ओके ओके, इन दिस टू टर्म देयर इज माइनस साइन हियर, एंड व्हेन माइनस साइन एंड टू परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स यू कैन यूज आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पुटिंग वन बाय पुटिंग 9 अपॉन 10 एच के. अप्लाइंग आइडेंटिटी ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस फाइनल आंसर. ठीक ओके. देखो यार ये टॉपिक है ना, फैक्टरिंग एंड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. इस क्वेश्चन में और ये एक हमने प्रीवियस भी लेसन बनाया हुआ है जिसमें क्या फर्क है, ठीक है. उसमें बिल्कुल सिंपल सवाल थे, प्रीवियस लेसन के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सिंपल थे, ये थोड़े से एडवांस है. कैसे इसको कैसे करेंगे आप, यू हैव टू अज्यूम ए प्लस थ्री स्क्वायर एज यू. ओके, लेट यू इक्वल्स टू ए प्लस थ्री होल ए प्लस थ्री. तो देयर फोर वी गेट यू नो यू स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस थ्री यू, यू स्क्वायर माइनस नाइन. नाउ वी कैन अप्लाई आइडेंटिटी अपने वन, यू स्क्वायर माइनस नाइन विल बी यू माइनस यू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, इट विल बी यू माइनस थ्री एंड यू प्लस थ्री. बट वी हैव रिप्लेस यू ए प्लस थ्री की जगह आपने यू सपोज कर लिया ताकि आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें, राइट. सो रिप्लेस यू विथ ए प्लस थ्री, सो वी गेट ए प्लस थ्री माइनस थ्री टाइम्स ए प्लस थ्री प्लस थ्री. ओके, सो आंसर विल बी थ्री थ्री कैंसल आउट ए टाइम्स ए प्लस सिक्स. तो गिविंग वन मोर क्वेश्चन, कॉपी कर लिया कर रहे हैं अभी. सर ये समझ नहीं आया मुझे, नहीं आया समझ, दोबारा देख लो. देखिए ये दिस इज ए प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस नाइन, ठीक है ना. तो इसमें कभी भी ये होगा कि माइनस हो और दो टर्म हो, देर आर टू टर्म्स इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म एंड सबट्रैक्ट एंड माइनस साइन इन बिटवीन टू टर्म, यू नो ऑल टू टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर एंड द साइन इज माइनस इन बिटवीन टू टर्म्स. इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप जो आपके पास दिया हुआ ना ए प्लस थ्री, आपने यू अज्यूम कर लिया यू इक्वल टू ए प्लस थ्री, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया यू स्क्वायर माइनस नाइन. अब यू स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, यू होल स्क्वायर, नाइन इज थ्री स्क्वायर. नाउ वी अप्लाई यू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, यू अप्लाई फार्मूला यू माइनस थ्री यू प्लस थ्री, और फिर आपने यू की जगह यू की वैल्यू पुट कर दी दोबारा से, तो आपके पास ये क्वेश्चन फैक्टराइज है. अब आया समझ में नहीं आया जी सर, अब आया राइट. मैं कॉपी कर लूँ या सर जल्दी से? सर कॉपी कर लो, ये एक शॉर्टेस्ट तरीका है, शॉर्टेस्ट मेथड. फैक्टराइज दिस, यू हैव टू अज्यूम यू विद इन अ ब्रैकेट टर्म, राइट. डी प्लस लाइक डी, यू हैव टू अज्यूम डी प्लस टू एज यू. ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट लेट यू इक्वल्स टू डी प्लस टू, आफ्टर अज्यूमिंग इट विल बी यू नो सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है. वो स्टेप सही कर लेना, सेकेंड स्टेप. देन यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, तो याद हो गई होगी तुम्हें बहुत. तो देयर फोर इट विल बी सी माइनस यू टाइम्स सी प्लस यू, रिप्लेस यू विद डी प्लस टू, यू आपको डी प्लस टू. विशेष समझ में आइए तो मानो जी सर. C minus by using bracket write down D plus 2 in the place of U times C plus D plus 2 in ये plus sign हटानी पड़ेगी, sorry. C minus D minus 2 times C plus D plus 2 is the final answer.
मैंने भी यही किया था, बस इसमें माइनस नहीं लगा था ट्रिक हाँ, क्योंकि क्यों आपने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया था ना। इन दिस केस 16 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर एंड 25 बी प्लस 3 स्क्वायर इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो टू अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आइडेंटिटी, लेट अज्यूम बी प्लस 3 एज, तो आफ्टर दिस इट क्वेश्चन विल बी ट्रांसफॉर्म इन -25 यू स्क्वायर। Both are perfect square. We can apply form. We can write as perfect square form, which is 5u whole square. So it will be 4 minus. Abdul Rahman, make correction, please. आपके सवाल में गलती है. So 4 minus 5u times 4 minus. Okay, Abdul Rahman, you wrote 25. अब आ रही मेरी? आपने जी 25 जी फाइव हो लिखा गई है। होगा. ओके Exactly, ओके 5 होना चाहिए. Now replace u with b plus 3, replacing u with, we can write as 4 minus 5 times of b plus 3, 4 plus 5 times of b plus 3. Now 4 minus 5b minus 15 times 4 plus it will be minus 5b minus 11 and plus 5b plus 19. But last, don't forget to take common, minus common in the first bracket. So the final answer will be minus as common 5b plus 1, 11 times 5b plus 9.